सुन सुन, ये कौन लेके जा रहा है? सर ये मैम का बिल है। पगला क्या क्या रेस्टा बंद करवाएगा? व्हाट हैपेंड सर? तो विधायक की बेटी है, उन्हीं की मेहरबानी से चलता है रेस्टा, समझ गया? कोई बिल बिल नहीं, मैं देख लूँगा। बट सर 2000 रुपये का खाना खाया उन्होंने यहाँ पे, तो बिल तो देना पड़ेगा। बेटा मैंने क्या बोला, ये रेस्टोरेंट उनकी मर्जी से चलता है, यहाँ 1000-2000 के चक्कर में मुझे अपना रेस्टोरेंट नहीं बंद करवाना, समझ गया तू? और जा स्पेशल वाला डीजल लेके जा, बटन दे दिया। ठीक है सर, ठीक है। आप बिल प्लीज। अरे नहीं मैम, इट्स बीन टेकन केयर ऑफ, नो वरी। विधायक जी तो यहाँ आते रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे, आप चिंता ना करें। नहीं नहीं, आप बताइए कितना हुआ है। मैम प्लीज, आप क्यों चिंता कर रही हैं, विधायक जी से बात हो जाएगी। ओके, एज योर विश। ये लो भाई आपका ऑर्डर, 1000 रुपये का बिल हो गया आपका। साहब आप अभी मेरे पास खाली 800 रुपये हैं, 200 रुपये में आपको अभी आधे एक घंटे में आके दे जाऊंगा। ये क्या बकवास है, अगर पैसे नहीं तो खाना क्यों पैक करवाया? साहब मेरे पास खाली 200 रुपये ही कम है, मैं यही पास वाली बिल्डिंग में साफ सफाई करने का काम करता हूँ, सब दे जाऊंगा आधे घंटे। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम शक्ल से ही भिखारी लगते हो। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, अगर पैसे नहीं है तो खाना नहीं है। चलिए निकले यहाँ से। साहब आज मेरी माँ का जन्मदिन है, अब मैं सोचा था कि उनको उनके जन्मदिन पे कुछ अच्छा खिलाऊंगा। आपने सुना नहीं, कोई खाना नहीं है। पीयूष उनको जाने को बोलो। भाई एक मिनट सर, इनके 200 रुपये कम पड़ रहे हैं ना सर, वो पैसे मैं दे देता हूँ, बट प्लीज फिलहाल आप इनको खाना दे दीजिए। पीयूष तुम क्यों इनके पैसे दे रहे हो? क्योंकि सर इन्हें सच में जरूरत है इस खाने की। सर अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी की बेटियां खाना खाकर गई, तब हमारे कैफे ने उनका 2000 रुपये का बिल माफ कर दिया, इवन आपने डेजर्ट भी फ्री में देने को बोला था, और सर इनको सच में 200 रुपये की जरूरत है, तो हम वो माफ नहीं कर पा रहे, बल्कि तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में दे जाएंगे। सर सर एक इंसान को भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हम उनका पूरा बिल माफ कर दे रहे हैं, जिस इंसान को सच में जरूरत है हम उसके 200 रुपये की हेल्प नहीं कर पा रहे। सर सर ये गलत चीज़ है सर, ये मैं नहीं देख पाऊंगा, आप प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए, जब भी आपको दे देंगे तो आप सर ये 200 रुपये लौटा देना मेरे को। तुम शायद ठीक कह रहे हो पीयूष, ये बिजनेस करने के चक्कर में कई बार हम लोग इंसानियत को, और कई बार क्या अमूमन इंसानियत भूल जाते हैं, अच्छाई बुराई में फर्क करना भूल जाते हैं, बल्कि बंद कर लेते हैं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी पीयूष, ये अपने पैसे अपने पास रखो, आपकी माँ का जन्मदिन है आज, ये लो, ये हमारी तरफ से उनका जन्मदिन खूब अच्छे से मनाइए, ये खाना हमारी तरफ से, और हाँ कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, चलिए खुश रहिए। सर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मदद करने के लिए। थैंक यू पीयूष, मुझे अच्छे और बुरे में फर्क समझाने के लिए, तुमने सच में आज मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू। नहीं सर मैंने तो बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। वेल डन, वेरी वेल डन, कीप इट अप। जी सर, सर मैं ऑर्डर लेकर आता हूँ। हाँ प्लीज।